कुशीनगर में आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुंडे यूपी छोड़कर लोग पलायन कर रहे हैं। 2019 में सारे विरोधी एक हो गए, सभी कह रहे थे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, लेकिन उस बार भी हमारी सरकार बनी। इस चुनाव में एनडीए ने लक्ष्य रखा है अब की बार 400 पार, यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का संकल्प लिया है। आज भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती है। आज हमें कहना है कि बाबा साहब का संकल्प अधूरा मोदी जी करेंगे पूरा। आज हमारा संकल्प पत्र आया है। आज का चुनाव देश को 100 साल ले जाने वाला है। कांग्रेस की सरकार थी तो 12 लाख का घोटाला हुआ था। सपाइयों का नारा था कि खाली प्लाट हमारा। 2070 से पहले जिस गाड़ी पर सपा झंडा उसमें बैठा गुंडा। पहले बिजली रहती नहीं थी और भाजपा के सरकार में बिजली जाती नहीं है। भाजपा विकास की पक्षधर है। जब सपा बसपा की सरकार थी तो 12 लाख का घोटाला हुआ था और अब 72 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली कांग्रेस के साथ सपा चुनाव लड़ रही है। इस वक्त देश में भाजपा की आंधी चल रही है। मोदी का परिवार पूरे देश है। 19 से 24 के बीच में भाजपा ने जो वायदा किया था वो पूरा किया गया। हम राम मंदिर बनाने का वादा किया था, वह वादा पूरा किया। धारा 370 को हटाने का वायदा किया था और उसे हटा दिया। हमने धारा 370 हटाया तो अब की 370 सीटें जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में कहा 100 में 75% वोट हमारा है और 25 में भी बंटवारा है। साथ ही साथ उन्होंने ने कहा कि अगले 5 साल मुफ्त राशन मिलता रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सवालों के जवाब में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब साइकिल पंचर हो चुकी है और अखिलेश यादव मुंगेरीलाल का सपना देख रहे हैं। अब यहां ना गुंडाराज है और ना ही भ्रष्टाचार है। श्री अखिलेश यादव जी को मुंगेरीलाल का हसीन सपना देखने दो। अब गुंडागर्दी नहीं है, अब भूत कब्जा नहीं है, अब माफिया गिरी नहीं है, अब दादा गिरी नहीं है। इसलिए ईमानदारी से जब चुनाव होंगे कमल खिलेगा। साइकिल पंचर हो चुकी है, साइकिल उड़ करके सेफ ही जा चुकी है। अब साइकिल वालों का कोई भविष्य नहीं है। कोई भी लड़े जी कमल खिलेगा। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और घंटी वाला बटन दबा दे ताकि हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहे।